सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के तरफ से 17 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था, जिसके तहत जीएचएमसी इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई थी और उसके बाद पिछले लगभग 12 दिनों में हम लोगों ने मिलकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, जीएचएमसी के साथ, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सिटीजंस के साथ मिलकर ये पूरा कैंपेनिंग पीरियड बहुत अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ। इसके लिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सिटीजंस, हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन के तरफ से आज एक नया सर्कुलर आया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके तहत हिदायत दी गई है कि पोलिंग डे, डेट ऑफ पोल यानी कि 1 दिसंबर को पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, वोटर्स सबके बारे में क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जहां तक टोटल फ्रेमवर्क का सवाल है, तो अपने पास टोटल 89 वार्ड्स हैं हैदराबाद में और 2016 के कंपैरिजन में 817 पोलिंग स्टेशन एक्स्ट्रा हुआ, जिसमें कि अब टोटल नंबर है 4979। नॉर्मल, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव और क्रिटिकल, ये 4 कैटेगरीज हैं। नॉर्मल में 2146, सेंसिटिव 1517, हाइपर सेंसिटिव 1138 और क्रिटिकल 167। स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, SST, टोटल अपने पास 15 है, जिसमें ईच स्टैटिक सर्वेलेंस टीम का स्ट्रेंथ 1 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल, 2 PCs, टोटल 4। नंबर ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड 15 है, जिसका भी स्ट्रेंथ यही रहेगा, 1 SI, 1 हेड कांस्टेबल, 2 PCs। स्ट्राइकिंग फोर्स टोटल अपने पास सिटी में 116 है, जिसमें उनका स्ट्रेंथ 1 इंस्पेक्टर, 1 PC एंड हाफ सेक्शन ऑफ आर्म्ड पुलिस। स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स डिवीजन के मुताबिक रहेंगे, जो कि टोटल 17 है, जिसमें 1 ACP, 1 हेड कांस्टेबल, 1 सेक्शन आर्म्ड पुलिस। मोबाइल पार्टीज जो कि अपने रूट पे मुस्तैद रहेगी, उसके लिए 406 मोबाइल टीम्स, जिसमें 1 SI, 2 PCs एंड 1 आर्म PC। बॉर्डर एरिया का चेक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमारे पास टोटल कितने हैं, 29 चेक पोस्ट है, जिसमें स्ट्रेंथ 1 इंस्पेक्टर, 1 SI, 2 PC एंड हाफ सेक्शन ऑफ फोर्स। DRC बैलेट बॉक्स गार्ड्स के लिए 15 प्लेसेस हैं, जिसमें स्ट्रेंथ 1 इंस्पेक्टर, 4 HC, 12 PC एंड 1 प्लेटून ऑफ TSSP। उस दिन अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ी पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, तो हर पुलिस स्टेशन, हर टोटल 34 इन्वेस्टिगेशन टीम है और इंटरसेप्शन टीम फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स अपने पास 65 इंटरसेप्शन टीम है। हमारे एडिशनल CP ट्रैफिक के तरफ से ट्रैफिक इंटरसेप्शन टीम भी बनाई गई है और 100 इंटरसेप्शन टीम ट्रैफिक की रहेगी। हाइपर सेंसिटिव पिकेट इंपॉर्टेंट एरियाज में 293, जिसका स्ट्रेंथ है 1 हेड कांस्टेबल, 1 PC, 1 होम गार्ड एंड 2 आर्म PC। सेंसिटिव पिकेट 387, जिसमें 1 हेड कांस्टेबल, 1 PC एंड 1 होम गार्ड। स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट के बारे में हमारे कुछ प्रेस के दोस्तों ने पूछा था, तो जो क्रिटिकल एरिया है, जो जिसको क्रिटिकल हम लोग डिक्लेयर किए हैं पोलिंग स्टेशन, उसमें 6 आर्म्ड है, हाइपर सेंसिटिव 2+2, सेंसिटिव 1+2, नॉर्मल 1+1।
इलेक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एनफोर्समेंट ड्राइव के लिए हम लोगों को आदेश दिया गया था, तो उस हुक्म के मुताबिक पिछले 12 डेज में हम लोगों ने 4,187 लाइसेंस आर्म्स डिपॉजिट हुए हैं। पर्संस बाइंड ओवर राउडी शीटर्स, हिस्ट्री शीटर्स और इस तरह के जो बैड हैट्स हैं, बदमाश लोग हैं, 3,066 उनको बाइंडिंग ओवर हुआ। नॉन अवेलेबल वारंट पर्टिकुलरली बॉडिली ऑफेंस में टोटल 48 एग्जीक्यूशन हुआ और कैश सीजर जैसा कि आप लोग जानते हैं 1,45,34,000 से लगभग ज्यादा हुआ है कैश सीजर। इसके अलावा बाइक्स, गांजा, नारकोटिक्स, IMFL लिकर सीजर 10 लाख रुपए से ज्यादा का हुआ है और टोटल 55 केसेस, क्रिमिनल केसेस FIR बुक हुए। इस पूरे बंदोबस्त में हम लोगों ने लगभग 1,000 से ज्यादा क्या उसको कहते हैं मार्च, पैदल यात्रा, पैदल दौरा, रोड शो, पब्लिक मीटिंग, ये सब भी हम लोग ऑर्गेनाइज किए। इस बार हमारे IT सेल के तरफ से कुछ नए इनिशिएटिव भी की गई है। जैसा कि आपको शुरू में बताया गया, हमारे एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर के इनिशिएटिव से इस बार पूरा बंदोबस्त स्कीम एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सभी कांस्टेबल ऑफिसर से लेके ऊपर तक सबको दिया गया है, जिसमें कि कम्युनिकेशन फ्लो, किससे कॉन्टैक्ट करना है, किससे मदद लेना है, कोऑर्डिनेशन के लिए दूसरे डिपार्टमेंट का क्या है, ये पूरा सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सभी लोग को अवेलेबल रहेगा। जो ऑफिसर्स बाहर से आए हैं बंदोबस्त ड्यूटी के लिए उनको भी ये दिया जाएगा। हमारी IT सेल जो कि हैदराबाद सिटी पुलिस की बैकबोन है और हमारे IT सेल के जो इंचार्ज है राजा वेंकट रेड्डी, उनके इनिशिएटिव से पूरे पोलिंग स्टेशन का जियो टैगिंग हो चुका है, जिससे कि हमारे पेट्रोल व्हीकल, आउटसाइड ऑफिसर सबको बहुत कन्वीनियंट होगा। और इसके साथ साथ हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, सबको रेगुलरली मॉनिटर करती रहती है। और हमारे जो CCTV मॉनिटरिंग टीम है 24 आवर्स सभी व्यूइंग सेंटर, 30 से ज्यादा व्यूइंग सेंटर पुलिस स्टेशन में है, पूरे ACP ऑफिस, DCP ऑफिस, CP ऑफिस में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, राउंड द क्लॉक ये लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जो डायल 100 का सिस्टम है उसका एक GPS बेस्ड पेट्रोल व्हीकल से इंटीग्रेशन भी किया गया है एंड दैट इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल। इसके अलावा पोस्ट पोलिंग जो काउंटिंग का होगा उसका हम लोग डिटेल बाद में बताएंगे। और लास्ट में पब्लिक से एक हमारी अपील है, जैसा कि आप जानते हैं पोलिंग का टाइम मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 6 PM तक है, तो आप सबसे पहले तो गुजारिश है कि आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी खौफ के अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन पे आए। वोट करना आपका हक है और आपकी जिम्मेवारी भी है। हैदराबाद आज इस मुकाम पे पहुंचा है वो इसलिए कि जिसमें हमारे हर एक सिटीजन का कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए हैदराबाद को और ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप जरूर आइए, हर एलिजिबल वोटर जरूर आए और अपना हक जो है कि हम वोट करने का उसका वो अदा करें। आज शाम को 6 बजे के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो गाइडलाइंस निकली है उसके मुताबिक 6 बजे के बाद इलेक्शन कैंपेनिंग बंद है। 6 बजे के बाद मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर से गुजारिश करता हूं कि 6 बजे के बाद आप कोई भी कैंपेनिंग नहीं करें, वो इलीगल होगा। और खास करके जो बाहर से लीडर्स आए हैं, जो बाहर से सपोर्टर्स आए हैं, जो बाहर से कैंपेनिंग करने के लिए आए हैं, आज शाम को 6 बजे के बाद वो हैदराबाद शहर छोड़कर अपने अपनी जगह चले जाए। 6 बजे के बाद इलेक्शन से रिलेटेड जो भी लोग बाहर के लोग आए हैं लीडर्स कैंपेन, उनका यहां कोई जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्शन 6 बजे के बाद खत्म हो चुका है। जहां तक पोल डे का सवाल है,
स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक हर कैंडिडेट को केवल एक गाड़ी की इजाजत है और उस गाड़ी में उसी गाड़ी में उनका इलेक्शन एजेंट भी बैठेगा, उसके लिए अलग गाड़ी नहीं है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जिसके पास परमिट, व्हीकल परमिट अगर नहीं इश्यू हुआ है अभी तक, तो जीएचएमसी के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे परमिट इश्यू करें और अपनी गाड़ी की फ्रंट विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड में उसको डिस्प्ले करें, पोस्ट करें, जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स को पता चले कि ये वैलिड गाड़ी है, परमिटेड गाड़ी है। जो वोटर्स अपनी पर्सनल गाड़ी में आ रहे हैं वोट डालने के लिए, वो आ सकते हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ी वो पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर्स की दूर पर पार्क करें और फिर वहां से पैदल पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट डालें। किसी भी गाड़ी में वोटर्स को ग्रुप में लेकर आना अलाउड नहीं है। कोई टैक्सी, कोई वैन, कोई ट्रैक्टर में कॉमर्शियली अगर कोई वोटर्स को लेकर आ रहे हैं तो वो इलीगल माना जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गाड़ी भी जब्त की जाएगी। लिकर शॉप उस दिन बंद है, पूरे लिकर शॉप्स के लिए हम लोगों ने नोटिफिकेशन भी निकाला है, सभी से गुजारिश करता हूं कि वो लोग बंद रखें। हमारे सिटी पुलिस और बाहर के ऑफिसर्स मिलाकर लगभग 22,000 पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पब्लिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर के कोऑपरेशन और हमारे पुलिस ऑफिसर्स के सर्विस से हम लोग मिलकर जीएचएमसी इलेक्शन को सक्सेसफुल और पीसफुल रखेंगे। थैंक यू सो मच।